हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश केवर्मा सॉल्यूशन सीरीज चौथा चल रहा है और आपको इस वीडियो में परसेंटेज के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और ये परसेंटेज का पार्ट 9 है, ठीक है। और ये पार्ट 9 में आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई बुक है। इसी बुक का आपको क्वेश्चन इसी बुक के क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ का या फिर बैंकिंग के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करे, किसी भी बैंक के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर अंतिम तक। इस वीडियो में मैंने 9 क्वेश्चंस लिए हैं। कितने क्वेश्चंस लिए? 9 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मैं करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। और उन 9 क्वेश्चन जो है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। और लास्ट में आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा और बताइएगा कैसा बनाए ये वीडियो और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर देना। और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट भी रख लेना, क्योंकि आपको हो सकता है आगे रेफरेंस के लिए जरूरत पड़ जाए तो आप उस पीडीएफ फॉर्मेट को भी अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। तो उसका जो फॉर्मेट है वो नीचे आपको मिल जाएगा लिंक में, ठीक है। नीचे आप जाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी के जो 8 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है ना, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, परसेंटेज वाले में सॉल्यूशन सीरीज जो होगा चौथे के नाम से होगा, सॉल्यूशन सीरीज के नाम से होगा, तो आप वहां से जाके बाकी के 8 पार्ट वहां पे आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काफी सुंदर सा सवाल है ये, देखिएगा समझिएगा। 23 नंबर सवाल है ये। देखिए सवाल क्या है, माय फ्रेंड सिद्धार्थ घोष इज वर्किंग इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ही वाज हायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन एंड ही गॉट द बोनस ओनली ऑन द फर्स्ट ईयर कमीशन। ही गॉट द पॉलिसीज ऑफ ₹2 लाख हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 ईयर। His commission in the first, second, third, fourth, and for the rest of the years is 20%, 16%, 16%, 12%, and 10%, and 4% respectively. The bonus is 25% of the commission. If the annual premium is rupees 20,000, then what is the total commission if the completion of maturity of all the policies is mandatory? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना आपसे कि एक मेरा दोस्त है सिद्धार्थ घोष, जो कि LIC में काम करता है, ठीक है। LIC के बारे में हम जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये, ठीक है। वहां पर ही वो कमीशन के बेस पे हायर किया हुआ, वहां पर वो कमीशन के बेस पे काम करता है और उसको सिर्फ पहले साल का ये मिलता है, जो कमीशन होता है ना उसका बोनस सिर्फ उसको कौन से साल का मिलता है, सिर्फ पहले साल का मिलता है, बाकी साल का उसको बोनस नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे क्या बोल रहा है कि उसको सिर्फ पहले साल का जो कमीशन होगा उसी पे बोनस बोनस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसको पॉलिसी मिली, कितने रुपए की पॉलिसी मिली है? 2 लाख रुपए की पॉलिसी मिली है, जो कि 10 साल में क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। कितने साल में मैच्योर होगा? 10 साल में मैच्योर होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब ध्यान देने वाली बात है, हिज कमीशन इन द फर्स्ट, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हिज कमीशन इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स इज 20%, 16%, 12% एंड 10% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द बोनस 25% ऑफ द कमीशन इफ द एनुअल प्रीमियम इज 20,000, देन व्हाट इज द टोटल कमीशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ ऑल द पॉलिसीज इज मैंडेटरी, ठीक है। समझ गए होंगे इस सवाल को। उसको पहले साल में कितना कमीशन मिलता है? 20% मिलता है। तो यहाँ पे चलो सब लिखते चलते हैं कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। पहले साल, फर्स्ट, फर्स्ट ईयर में उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 20% मिल रहा है, ठीक है। सेकंड में, कितना मिलता है? सेकंड में उसको मिलता है 16%, ठीक है। थर्ड में कितना मिलता है उसको? थर्ड में मिलता है उसको 12%,
ठीक है। और फोर्थ में कितना मिलता है उसको? फोर्थ में उसको मिलता है फोर्थ में उसको मिलता है कितना? 10% मिलता है, ठीक है। 10% उसको फोर्थ में मिलता है। और रेस्ट रेस्ट ऑफ द इयर्स में कितना मिलता है उसको? 4% मिलता है। रेस्ट ऑफ द इयर्स में कितना मिलता है उसको? 4% मिलता है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला, 20,000 रुपये उसका क्या है? मंथली प्रीमियम है, एनुअल, सॉरी एनुअल प्रीमियम है, ठीक है। 20,000 रुपये साल में एक बार 20,000 रुपये देना। देखो एक चीज यहाँ पे समझना, और एक चीज और समझो, 25% कमीशन है जो कि पहले साल पे ही होगा सिर्फ, बाकी साल पे उसको कमीशन नहीं मिलने वाला। बोनस जो मिलेगा 25% जो मिलेगा पहले साल के कमीशन पे ही मिलेगा, ठीक है। अब उसको ये बताना है यहाँ पे आपको कि 10 साल में उसको कितने कितना मैच्योरिटी, कितना पैसे मिलेंगे, कमीशन कितना मिलेगा टोटल, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 20,000 क्या है उसका एनुअल प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, यहाँ पर 4 साल तो इधर हो गए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया उसको? 4 साल हो गया, ठीक है, 4 साल हो गया। अब उसको पूरे कितने, 10 साल के लिए चाहिए, तो 4 साल तो इधर हो गया, बाकी रेस्ट साल कितने बच गए यहाँ पे? रेस्ट साल उसको बन गया 6 साल बच गया। तो 6 साल का उसको पूरा इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा? 6 साल का उसको मिल जाएगा 6 × 4 मतलब 24% मिल जाएगा रेस्ट ऑफ 6 ईयर्स, यही मिलेगा ना। रेस्ट ऑफ 6 ईयर्स का कितना मिल जाएगा उसको? 24% मिल जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक बात क्लियर है? तो टोटल उसको कितना कमीशन मिल रहा है? तो टोटल अगर उसको, अगर मैं पूछूं टोटल कितना कमीशन मिल रहा है, तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। 20% इधर है, 16 इधर है, 12 इधर है, 10 इधर है, 24 इधर है। इन सबको जब आप जोड़ोगे, तो इन सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा आपको? 82%। 82% उसको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है। 82% इंटरेस्ट मतलब किस पे? 20,000 पे अगर 82% जो लगाएंगे, वही उसका क्या हो जाएगा? टोटल कमीशन हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, टोटल कमीशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 82% ऑफ 20,000 है पर ईयर, 20,000 का 82%। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग? 82/100 इंटू कितना लिख लेंगे यहाँ पे? 20,000, ठीक है। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, इसका टोटल कितना यहाँ से बन के आ जाएगा? इसका टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2 0 यहाँ हो गया, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, 8 16 मतलब 16,400 रुपये उसको टोटल में क्या मिलेगा यहाँ पे? कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। उसको टोटल कमीशन मिल रहा है कितने साल का? 10 साल का टोटल कमीशन उसका कितना हो रहा है? 16,400 रुपये। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देने की बात है, उसको जो बोनस मिलेगा वो पहले साल के कमीशन में मिलेगा। तो पहले साल का कमीशन कितना मिल रहा है उसको? 20% मिल रहा है। मतलब 20,000 का कितना हो जाएगा आपको? 20%, ठीक है। 20,000 का कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 20% कितना हो जाना चाहिए इसका? 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 4,000 का उसको कितना मिलना? 25% मिलना। 4,000 का उसको 25% क्या हो जाएगा? बोनस हो जाएगा। तो इसका 4,000 का 25% कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये हो जाएगा। 4,000 का 25% कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये हो जाएगा। यही 1,000 रुपये क्या कर दो यहाँ पे? जोड़ दो। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 1,740,000। तो टोटल उसको टोटल मतलब पॉलिसी सी का मैच्योरिटी होने पर टोटल पैसा कितना उसको मिलने वाला? टोटल पैसा उसको मिलेगा 17,400 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको ए नंबर, कुछ ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था, बस ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत थी, क्वेश्चन के पूरे लैंग्वेज को, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है? डेल कंप्यूटर हैज टू ब्रांचेस, वन इन ओयो एंड सेकेंड इन टेक्सास, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन इसी आपको लैंग्वेज से ही, ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखा गया है, ये दो क्वेश्चन के लिए, 25 के लिए भी और 24 के लिए भी, ठीक है। तो बोल क्या रहे कि डेल कंप्यूटर के दो ब्रांचेस है, एक तो ओयो में है और दूसरा कहाँ? टेक्सास में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ओयो ऑफिस ग्रू दिस ईयर बाई 25% टू 750, बट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इज सेम एज इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द टेक्सास ऑफिस ग्रू दिस ईयर बाई 9.09% टू 1200, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज लास्ट ईयर इन द टेक्सास ऑफिस वॉज 5:6, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ओयो ऑफिस वॉज 20% लेस देन द दैट ऑफ टेक्सास ऑफिस, ठीक है। क्लियर है? देखिए इसमें बोल क्या रहा है ना कि डेल के दो ब्रांचेज है, एक तो ओयो में और दूसरा कहाँ? टेक्सास में, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि टेक्सास में जो, चलिए इसको लिखते भी चलते तो आपको आसानी होगी समझने में। देखो यहाँ पर क्या बोला है ना कि डेल है, डेल आपको पता होगा कंप्यूटर बनाता है, लैपटॉप बनाता है ये, ठीक है।
और भी बहुत कुछ बनाता है। ठीक है, डेल का दो ब्रांचेस है, एक तो आपको कहाँ पे ओहियो में बोला जा रहा है, एक ओहियो में ब्रांच है और दूसरा कहाँ ब्रांच बोल रहा है, टेक्सास में। कहाँ पे? टेक्सास में। क्लियर है यहाँ तक बात? समझ में आ गया आपको? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ओहियो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ओहियो ऑफिस ग्रू दिस ईयर 25%। अब क्या बोल रहा है कि 25% से, 25% से एम्प्लॉयज का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, और इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 750। कितना हो गया, 750। बट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इन द सेम, जो मेल और फीमेल का जो रेशियो था पहले पहले साल में, वही क्या अभी भी है, सेम है, कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या बोला, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द टेक्सास ऑफिस ग्रू दिस ईयर बाय 9.09% टू 1200। यहाँ पर क्या हुआ है कि टेक्सास में ज्यादा का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, 9.09% से इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, यहाँ पे 1200 हो गया। कितना हो गया है, 1200 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज लास्ट ईयर इन टेक्सास, टेक्सास में कितना था रेशियो, 5:6 का रेशियो था मेल और फीमेल का। ठीक है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ओहियो ऑफिस वॉज 20% लेस देन दैट ऑफ द टेक्सास ऑफिस। टेक्सास ऑफिस से 20% क्या है, लेस है, किसमें, ओहियो ऑफिस में। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं। चलो अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, 25% से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 750 हो गया। अब हमको अगर प्रीवियस ईयर का निकालना है, तो मैंने आपको बताया होगा कभी, इसको कितना हो जाएगा, कितना का रेशियो से इंक्रीज कर रहा है, 1/4 के फ्रैक्शन से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कितने से डिक्रीज होना चाहिए, 1/5 से डिक्रीज होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5:1। ठीक है, 5 हो जाएगा और 150 हो जाएगा। ठीक है, इतने से क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तो इतना इसमें से माइनस कर दिया तो कितना बच गया यहाँ पे, 600। ठीक है ना, क्लियर है ना, 600 हो गया। ठीक है, अब देखो टेक्सास में कितने से इंक्रीज हो रहा है, टेक्सास में हो रहा है 9.09 से। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हो, 1/11 से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो कितने से डिक्रीज होगा, 1/12 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, 1/12 कितना हो जाएगा, ये इसका 100 हो जाएगा, 100 से डिक्रीज हुआ, कितना हो गया ये, 1100। कितना हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टेक्सास ऑफिस में रेशियो क्या है, 5:6 का रेशियो है, मतलब 5:6 का रेशियो क्या है आपको, मेल और फीमेल का, यहाँ पर आपको मेल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल हो गया, ये क्या 5:6 का। ठीक है, 5:6 का मेल एम्प्लॉयज, ठीक है, मेल टू फीमेल का रेशियो है, तो 6:5 कितना हो गया, 11, मतलब ये कितना हो जाएगा मेल, कितना हो जाएगा, 500, और ये कितना हो जाएगा आपको, 600 फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब क्या बोल रहे, एंड द नंबर ऑफ मेल इज ओहियो ऑफिस वॉज 20% लेस देन मेल एम्प्लॉयज, जो कि कहाँ पर आपको, जो टेक्सास ऑफिस, जो ओयो ऑफिस में, वो 20% लेस देन है, किससे, टेक्सास से, टेक्सास से 20% क्या है वहां पे, लेस देन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पर मेल ओयो में जो मेल एम्प्लॉयज है टेक्सास से कितने, 20% लेस हैं, तो 20% यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टेक्सास में मेल कितना है, 500 है ना, मेल कितने यहाँ पे, 500, उसका 20% लेस है, 20% लेस है तो मतलब कितना है, यहाँ पे 80% होगा, मतलब 80% है, यहाँ पर कितना, 2020 चला गया, कितना हो जाएगा, 400। मतलब यहाँ पर जो मेल एम्प्लॉय है ओयो में, ओयो में मेल एम्प्लॉय कितना हो गया, मेल एम्प्लॉय हो जाएगा यहाँ पे 400, मेल एम्प्लॉय कितना हो गया, 400। तो ऑब्वियस सा बात है, फीमेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 200 हो जाएंगे, फीमेल कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब देखो पूछ क्या रहा, सवाल में आ जाए, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज दिस ईयर इन बोथ द ऑफिसेज इज, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज दिस ईयर इन बोथ द ऑफिसेज इज। देखो ये क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछ क्या रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल, कितने फीमेल एम्प्लॉयज हैं दिस ईयर इन बोथ द ऑफिस। तो इस ऑफिस में तो हमें ओहियो वाले में नहीं पता है, लेकिन हम इसमें ये चीज बोल सकते हैं क्योंकि रेशियो 5:6 था, तो यहाँ पर भी क्या बोला था, यहाँ पर रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ओयो ऑफिस ग्रू दिस ईयर बाई 25, बट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज इज सेम एज द प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर का था आपको रेशियो वही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं निकल सकता, यहाँ पे आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कांट बी डिटरमाइंड, ये नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग टेक्सास वाला मेल और फीमेल का जो करंट चल रहा है
टोटल नंबर ऑफ दिस ईयर का पूछा जा रहा है, तो इस ईयर का हम लोग क्या करेंट ईयर का निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, तो टेक्सास का नहीं निकाल सकते, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, 24 का ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्या बोला था, टोटल एम्प्लॉयज इन बोथ द ऑफिसेज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे? तो देखो भाई कितना था ओयो में, कितना था 600 था, और इसमें कितना था टेक्सास में, कितना था 1100 था। ठीक है, सॉरी 1100 था। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1700। तो टोटल एम्प्लॉयज प्रीवियस ईयर कितने थे? 1700 थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए शेपर्ड हैड एन गोट्स इन द ईयर 2000। ठीक है, इन 2001 सॉरी, ए शेपर्ड हैड एन गोट्स इन द ईयर 2000। इन 2001 द नंबर ऑफ गोट्स इंक्रीज्ड बाई 40%। इन 2002 द नंबर ऑफ गोट्स डिक्लाइन टू 70%। इन 2003 द नंबर ऑफ गोट्स ग्रू बाई 30%। इन 2004 ही सोल्ड 10% गोट्स। इन देन ही हैड ओनली 34,398 गोट्स। द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ गोट्स इन दिस ड्यूरेशन वॉज। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना आपको कि एक शेपर्ड है जो चरवाहा है, उसके पास एन नंबर ऑफ गोट्स है कब, 2000 में। 2000 में कितने उसके नंबर ऑफ गोट्स है, एन नंबर ऑफ गोट्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर 2001 में कितने बढ़ के हो गए, ये 40% बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2002 में ये घट के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लैंग्वेज को, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2002 में घट के कितने रह गए, 70% घट के रह गए। ठीक है, फिर 2003 में 30% इंक्रीज हो जाते हैं, 2004 में 10% से बेच देता है वो, 10% बेच देता है। बेचने के बाद उसके पास कितने बच जाते हैं, 34,398 गोट्स क्या होते हैं, बच जाते हैं। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ द नंबर गोट्स इन दिस ड्यूरेशन, तो इस ड्यूरेशन में कितने परसेंटेज ऑफ गोट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो इसको ऐसे समझ लेते, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। देखो सबसे पहले क्या बोलो, यहाँ पे 2000, सन 2000 की बात हो रही है, सन 2000 की बात हो रही है, जब उसके पास कितने गोट्स थे, एन गोट्स, एन नंबर ऑफ गोट्स थे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2001 में कितने से इंक्रीज हो गया, 40% से इंक्रीज हो गया, 40% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर का इंक्रीज का साइन लगा दिया, 40% से इंक्रीज हो गया। और 2002 में एक यहाँ पर समझना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, 2002 में नंबर ऑफ गोट्स डिक्लाइंड बाय 70%, मतलब 70% हो गए कम हो गए, पहले जितने थे उसके कितने हो गए, 70% रह गए, मतलब कितने से डिक्रीज हुआ होगा, 30% से क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा, 30% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन 2003, 2003, 2003 में द नंबर ऑफ गोट्स ग्रू बाई 30%, 30% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गए, 30% से कितने हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब क्या बोला, 2004 में, 2004 में उसने क्या कर दिया, 10% क्या कर दिया, बेच दिया, 10% अगर बेचा तो इसका अंदर 10% से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया होगा। और 10,000, 10% बेचने के बाद वहां पे कितने बच गए, 34,398 गोट्स क्या हो गए, बच गए, 34,398 गोट्स क्या हो गए, बच गए। तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ गोट्स इन दिस ईयर, तो कितने से परसेंटेज से इंक्रीज हुआ गोट्स, ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। मतलब क्या करना है यहाँ पर, ये सब जो भी है इन सब का क्या निकालना, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना, ये सब का क्या निकालना, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना। तो 40% को फ्रैक्शन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 2/5 से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, 30% से डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर क्या लिख सकते, 3/10 से क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये 3/10 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 30% था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/10 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, चलिए अब सबका सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 5 था पहले, 5 था कितना हो गया, 7 हो गया, 10 था 3 घट गया तो कितना हो गया, 7 हो गया, 10 था कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया, और ये 10 था कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्लियर है, इधर उधर से कट नहीं सकता है ये, तो अब क्या करना है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके देखना, ये हो जाएगा 5,733 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5,733, कितने का डिफरेंस है, कितने से इंक्रीज कर रहा है, 733 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने में, 5,000 में। तो इसका परसेंटेज कैसे निकल जाएगा, 733 से इंक्रीज हो रहा है, कितने में कर रहा है ये, 5,000 में कर रहा है,
और इनटू क्या कर लेंगे परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे 100। ये इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको 14.66% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 14.66% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं हम लोग। देखो अगला सवाल में क्या बोल रहा है कि 27 नंबर सवाल है, इन द अबव क्वेश्चन इन विच ईयर द नंबर ऑफ गोट्स वॉज मिनिमम। पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से साल में नंबर ऑफ गोट्स जो है वो क्या थे, मिनिमम थे। देखो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सबसे कम कौन से साल में सबसे कम गोट्स थे, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। एन के जगह पे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर मैं सपोज करूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि 2000, सन 2000 में कितने थे, 1000 गोट्स थे, कितने गोट्स थे, 1000 गोट्स थे, ठीक है। और ये कितने से इंक्रीज करके 40% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 40% से जब इंक्रीज होंगे तो 40% इसका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मतलब यहाँ कितना हो गया, 1400 हो गया। कब हो गया ये 1400, ये 2001 में हो गए। 2001 में क्या हो गया, 1400 गोट्स हो गए, ठीक है। 2001 में 1400 गोट्स हो गए। अब भी नहीं थमा, अब भी कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, देखो यहाँ से देख लेते हैं। इन 2002 नंबर ऑफ गोट्स डिक्रीज बाय 70%, डिक्रीज होकर 70% ही रह गए, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं, 30% से ही डिक्रीज हुआ, ये भी चीज बोल सकती है। या फिर बोल सकते हैं कि जितना पहले था उसका 70% ही बच गया, मतलब 70% इसका बच गया। तो इसका 70% निकालेंगे तो 7 चौक 28, 980, 980 गोट्स रह गए। मतलब कब, 2002 में कितना हो गया, 980 गोट्स हो गए, ठीक है। अब देखो, अब फिर से यहां से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। फिर से यहाँ से कितने से इंक्रीज हुआ, 30% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 30% से जब इंक्रीज होगा तो इसका 30% निकालेंगे, 2 0 3 8 24, 1274 हो जाएगा ना भाई। देखिए 30% इसका निकालिए 980, और प्लस में कितना कर, 30% इसका कितना हो जाएगा, ये 3 8 24 हो गया, 3 9 27 28 हो गया, ठीक है, सॉरी 29 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1274 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन से साल में सबसे कम है, 980, 2002 में क्या आपका सबसे कम है, 980 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, तो आप अज्यूम करके, कुछ भी अज्यूम करके आप यहाँ पे कैलकुलेट करना, आपका ऑप्शन सी ही क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल जो है ना, काफी अच्छा सवाल है ये, बहुत ही ध्यान से इस सवाल को समझने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन जो है ना बैंकिंग में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी में भी पूछ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। एसएससी के आपको उस एग्जाम में टीयर 2 में पूछा जा सकता है ऐसा सवाल, ठीक है। तो लेकिन ऐसे सवाल जो है ना अक्सर जो आपको बैंकिंग के एग्जामिनेशन में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी वो टफ नहीं है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और टेबल भी निकाल लेंगे इसका, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, इन द इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, देयर आर टोटल 16,000 स्टूडेंट्स परसुइंग एमबीए व्हिच ऑफर्स द स्पेशलाइजेशन ओनली इन फाइनेंस एचआर एंड मार्केटिंग। इग्नू एक्सेप्ट ओनली साइंस कॉमर्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फॉर द 2 ईयर्स कोर्स ऑफ एमबीए, ठीक है। द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इज 166.66% ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स टूगेदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट्स कैन स्पेशलाइज इन ओनली वन ऑफ द मार्केटिंग एचआर एंड फाइनेंस। 20% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑप्टेड द फाइनेंस व्हिच इज 16.66% लेस देन दैट देन द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फाइनेंस। द टोटल फाइनेंस स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 18% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एमबीए स्टूडेंट्स। 32% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑप्टेड एचआर। कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड एचआर इज इक्वल टू द 25% टोटल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इक्वल टू द 6.5% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एमबीए स्टूडेंट्स ऑप्टेड एचआर, ठीक है भाई, पढ़ लिया मैंने। अब देखो इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है। अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को अगर
एक साथ अगर लेके चलोगे तो नहीं कर पाओगे। देखो करना क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक का आपको मैं पहले समझा देता हूँ। एक ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इग्नू जो है, जिसमें एमबीए के लिए कितने लोग इनरोल करते हैं, 16,000 टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि एमबीए के लिए पढ़ाई करते हैं। और अब देखो वहाँ पे एक बार और देख, वो सिर्फ तीन ही ब्रांच करवाता है, एक तो फाइनेंस करवाता है, एक एचआर करवाता है और एक मार्केटिंग करवाता है, ठीक है। और इग्नू जो है सिर्फ कौन से बच्चों को लेता है, सिर्फ साइंस के बच्चों को लेता है, कॉमर्स के बच्चों को लेता है और किसको लेता है, इंजीनियरिंग के बच्चों को लेता है, ठीक है, जो कि 2 साल का एमबीए कराता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, टोटल बच्चे कितने का 16,000 एमबीए पढ़ने के लिए आते हैं, जिसमें कौन से तीन ब्रांच है, एक तो फाइनेंस में कराता है, एचआर में कराता है और मार्केटिंग में कराता है, और वो तीन ही तरह के बच्चों को एक्सेप्ट करता है, एक तो साइंस के, कॉमर्स के और इंजीनियरिंग के, ठीक है, जो कि 2 साल का एमबीए करवाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, साइंस के जो बच्चे हैं, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल, टोटल कितने बच्चे यहाँ पे हैं, 16,000 बच्चे। टोटल कितने बच्चे हो गए, 16,000 बच्चे, मतलब जो ये 16,000 है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपको, साइंस के आ जाएंगे, ठीक है, फिर कौन से आ जाएंगे आपको, साइंस के बाद आ जाएंगे कॉमर्स के आ जाएंगे, फिर कौन से बच्चे आ जाएंगे आपको, फिर आ जाएंगे आपको इंजीनियरिंग के बच्चे आ जाएंगे, ठीक है भाई, यही सब मिल के तो 16,000 है, ठीक है। चलो अब आगे देखते, साइंस द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इज, साइंस के जो बच्चे हैं, ठीक है, साइंस के बच्चे कितने, 166.66% ऑफ कॉमर्स के बच्चे, कॉमर्स के जो बच्चे होंगे ना उसका कितना, 166.66% है, ठीक है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं फ्रैक्शन में इसको लिखना चाहूँ तो 100+ कितना लिखेंगे, 66.66% लिखेंगे, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को, हर चीज़ लिख के नहीं बताऊंगा मैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा प्लस 66.66% हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 का मैंने 1 ले लिया, ठीक है, और 66.66% का कितना हो जाता है, फ्रैक्शन 2/3 हो जाएगा, ठीक है, इसी कितना हो जाएगा आपको कॉमर्स, ठीक है, इसको कितना लिख सकते हो, 5/3 ऑफ कॉमर्स, 5/3 ऑफ क्या हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, क्लियर है। अब देखो यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइंस, अब इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे हैं वो कितने के बराबर है आपको, इंजीनियरिंग के जो भी बच्चे वो साइंस प्लस कॉमर्स के बच्चों के बराबर है, साइंस और कॉमर्स के बच्चों के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे साइंस के जगह पे लिख दूँ कि कॉमर्स, साइंस के बच्चे कितने हैं, 5/3 ऑफ कॉमर्स है, तो मैं यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5/3 ऑफ कॉमर्स प्लस कॉमर्स कितना हो जाएगा, 8/3 ऑफ कॉमर्स। इंजीनियरिंग के बच्चे कितने के बराबर है, 8/3 ऑफ कॉमर्स के बराबर है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब मैं यही चीज यहाँ पे भी तो पुट कर सकता हूँ, अब मैं यही चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर इंजीनियरिंग भी तो लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना, इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो साइंस और कॉमर्स के बराबर है, साइंस और कॉमर्स के बराबर है ना, और ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइंस और कॉमर्स के जगह पे मैं इंजीनियरिंग लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपको, 16,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, इंजीनियरिंग लिख लिया, प्लस में क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इंजीनियरिंग बराबर कितना हो जाएगा, इंजीनियरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 16,000/ में कितना लिख लेंगे, 2, कितना हो जाएगा ये, 8,000, कितना हो जाएगा, इंजीनियरिंग कितने बच्चे हो गए, 8,000 बच्चे हो गए, इंजीनियरिंग कितने बच्चे हो गए, 8,000 बच्चे हो गए, क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो इंजीनियरिंग में कितने, 8/3 कॉमर्स के हैं, तो मैं इंजीनियरिंग की जगह भी लिख सकता हूँ 8,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/3 इंटू कॉमर्स, तो कॉमर्स में कितने बच्चे हो जाएंगे, टोटल कॉमर्स में बच्चे हो जाएंगे 3,000, कॉमर्स में कितने हो गए, 3,000 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 8,000 हो गए, तो अब ये सब आते हैं यार यहाँ से निकाल लो, तो साइंस में कितने बच्चे हो जाएंगे, साइंस में बच्चे हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल पुट डाउन कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8,000 और यहाँ पे 3,000, 8 3 कितने, तो 11, मतलब साइंस में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5,000 बच्चे, सबके निकल गए, सबके बच्चे निकल गए, साइंस में कितने हैं, 5,000 हैं, कॉमर्स में कितने हैं, 3,000 हैं, और इंजीनियरिंग कितने हैं आपको, 8,000 बच्चों ने इनरोल करवाए हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए कितने बच्चे इनरोल करवाए, 8,000 इंजीनियरिंग में, कॉमर्स में 3,000, साइंस में कितने, 5,000, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे एक काम करो, टेबल बना लो, टेबल बना लोगे तो क्वेश्चन को काफी आसानी से हल कर पाओगे, एग्जामिनेशन में भी ये काम किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इंजीनियरिंग,
कितना लिख लिया इंजीनियरिंग, फिर यहाँ पे लिख लिया मैंने कॉमर्स, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लिया मैंने साइंस, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग टोटल, ठीक है, टोटल ध्यान से समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच लिया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच लिया, एक लाइन ऐसे खींच लिया, एक लाइन ऐसे खींच लिया और एक लाइन ऐसे खींच लिया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर देखो एमबीए के बच्चे हैं, ठीक है, एमबीए के यहाँ पे ब्रांच लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा टोटल स्टूडेंट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल, ठीक है, इंजीनियरिंग में टोटल कितना निकल गया है, 8,000 आया, कितना निकल गया है, 8,000 है। कॉमर्स में कितना निकल गया है हमारा, कॉमर्स में निकल गया है 3,000, सब ऊपर लिखा हुआ 3,000, और साइंस में कितना निकल गया है हमारा, 5,000, सबको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 16,000 आ रहा है टोटल आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन ब्रांचेस है, एक तो आपको फिनेंस है, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, एचआर है। देखो इस तरह से टेबल बनाकर अगर परीक्षा में करोगे ना तो गलती नहीं होगा, गलती होने के चांसेस क्या हो जाते, कम हो जाते हैं, ठीक है, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, मार्केटिंग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, मार्केटिंग हो गया, क्लियर है, सब हो गया। अब आगे पढ़ना शुरू करो, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू द साइंस एंड कॉमर्स टू स्टूडेंट टुगेदर, चलो यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, ईच स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज इन ओनली इन वन ब्रांच। अच्छा एक बच्चा जो है ना सिर्फ एक ही ब्रांच में स्पेशलाइज कर सकता है, या तो मार्केटिंग में या एचआर में या फिर फाइनेंस में, कोई भी दो ब्रांच वो नहीं ले सकता, ठीक है। अब देखो यहाँ से 20% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑप्टेड द फाइनेंस, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि 20% जो साइंस के स्टूडेंट है, 20% जो साइंस के स्टूडेंट है वो क्या करते हैं आपको, ऑप्टेड फॉर फिनेंस, फिनेंस के लिए ऑप्ट करते हैं। तो 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, 5,000 का 20% हो जाएगा आपको 1,000, मतलब 1,000 बच्चे किसमें, फिनेंस में, 1,000 बच्चे किसमें, फिनेंस में, जो कि 16.66% लेस देन नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट हो जो कि फिनेंस ऑप्ट करते हैं। जो कॉमर्स के बच्चे जो फिनेंस ऑप्ट करते हैं उसका कितना आपको, 16.66% लेस देना, मतलब जो 1,000 जो है यहाँ पे देखो लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो 1,000 जो है वो कितना कम है आपको, 16.66% के आपको लेस है, 16.66% कितना, तो 1/6 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसको कितने से इंक्रीज होना पड़ेगा, 1/5 से, कितने से इंक्रीज होना पड़ेगा, 1/5 से, तो 1,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 1,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको, 1,200, मतलब कॉमर्स के बच्चे जो फाइनेंस लिए हुए हैं वो कितने लोग हैं आपको, 1,200 है, कितने हैं, 1,200 है, ठीक है, ऐसी कर करके निकालते चले जाओ, ठीक है, लेस देन ऑप्टेड फाइनेंस, यहाँ तक क्लियर हो गया बात आपका। अब क्या बोला, द टोटल फाइनेंस स्टूडेंट इज इक्वल टू 18% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एमबीए स्टूडेंट। फाइनेंस के जो जितने ही बच्चे ना, टोटल जितने ही बच्चे हैं फाइनेंस में, वो जो हैं वो आपको टोटल जितने एमबीए में एनरोल हुए हैं बच्चे उसके 32% है, सॉरी इक्वल टू 18%, कितने, 18% है, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ जो भी एमबीए के बच्चों का है टोटल स्ट्रेंथ उसका कितना, 18% है, जो कि किसमें, तो टोटल फिनेंस के स्टूडेंट जो है, टोटल फिनेंस स्टूडेंट मतलब क्या बोल रहा है, ये वाला पार्ट बता रहा है आपको, तो ये वाला पार्ट के लिए कितना बोल रहा है, 32, सॉरी कितना था यहाँ पे, 18% है ना, 18%, 18% ऑफ कितना हो जाएगा आपका, 16,000 है ना, 16,000, 16,000 का कितना निकाल लेंगे यहाँ पे, 18% निकाल देंगे, ठीक है, 16,000 का कितना है आपको, 18% है, तो इसको चलो डिवाइड कर लेते हैं, 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, दोनों को गुना करना, ये दोनों गुना करोगे तो आ जाएगा 2880, मतलब टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, 2880 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1,000 है, यहाँ पे 1,200 है, यहाँ पे कितना आपको, 2880 है, तो कितना हो जाएगा आपको, 680 हो जाएगा ना, बचेगा वो इंजीनियरिंग में चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपको, 680 हो जाएगा, क्लियर है। देखो इंजीनियरिंग के 680 बच्चे फिनेंस में है, कॉमर्स के 1,200 बच्चे फिनेंस में, साइंस के 1,000 बच्चे किस में, फिनेंस में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपका हमारा बात क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, 32% ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑप्टेड एचआर, साइंस के जो 32% है वो किसमें चले गए, एचआर में चले गए, तो मतलब क्या है कि हमको कितना का निकालना पड़ेगा, 32% ऑफ किसका, साइंस का, साइंस का कितना, 5,000 है ना, तो ये 2 0 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15, 1,600 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1,600 किस में आ गया आपको, साइंस में आ गए, 1,600 किस में आ गए, साइंस में आ गए, ठीक है, 32% बोला था जो कि एचआर में,
ठीक है, साइंस के एचआर में, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड एचआर, देखो कॉमर्स के बच्चे जो कि एचआर किए 25% और टोटल स्टूडेंट्स स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस एंड इन फाइनेंस, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट जो कि किसमें आपको है एचआर में है, वो 25% टोटल स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस, फाइनेंस में जितने भी टोटल बच्चे जो स्पेशलाइज कर रहे हैं ना उसका कितना आपको 25% है, ठीक है। तो 25% हमको निकालना पड़ेगा जो कि किसमें आपको है जो कि आपको टोटल किसमें, फाइनेंस में, टोटल फाइनेंस में कितने आपको 2880, तो इसका 25% निकालना। 25% मतलब कितना, 1/4, 1/4 ऑफ कितना निकालना पड़ेगा आपको, 2280 का। तो ये कितना हो, 4 × 28, 720। तो ये किसमें आ जाएगा आपको, कॉमर्स में आ जाएगा कितना, 720, ठीक है। कॉमर्स में कितना हो गया, 720 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ तक आपको, कहाँ तक आपका हो गया, स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इक्वल टू, अब देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इक्वल टू 6.5% और टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एमबीए स्टूडेंट्स ऑप्टेड एचआर, ठीक है। देखो इंजीनियरिंग में जो एचआर में जो ऑप्ट किया है, समझिएगा यहाँ पे इस लाइन को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कि एचआर में ऑप्ट किया है वो 6.5% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एमबीए, जितना भी बच्चे इनरोल किए एमबीए में उसका कितना 6.5% है, मतलब कितना लिख सकते हैं, 6.5/100 इंटू कितना इनरोल किए हैं, 16,000, 16,000 बच्चे क्या किए, इनरोल कराए। तो इसका क्या निकाल लेंगे लोग, 6.5% निकाल लेंगे 16,000 का। तो ये जो 2020 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसको गुना करना, तो ये आ जाएगा आपका 1040। तो एचआर में कितना हो जाएगा, इंजीनियरिंग में 1040 हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है, ठीक है। अब देखो अब इन एचआर में कितने टोटल बच्चे इनरोल किए, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपको 3360, ठीक है। टोटल कितना है यहाँ पे, 1600 इधर है, 1000 इधर है, साइंस में कितने, 5000 टोटल है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 2400 हो जाएगा, जो कि मार्केटिंग में, 2400 किस में, मार्केटिंग में, ठीक है। कॉमर्स में ये कितना हो जाएगा, देखो 720 है, ये 1200, मतलब 1920 है, 3000 में से 1920 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 1080, ठीक है। बचा हुआ पार्ट सब अपने आप ही निकल जाएगा, 680 फाइनेंस में है, और इसमें कितना, 8 × 4 = 1700, 1720 हो जाएगा, ठीक है। 1720, 8000 में से 1720 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6280। मार्केटिंग में कितने आपको, 6280 है, मार्केटिंग का सबको जोड़ेंगे, मार्केटिंग का सबको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9760, कितना हो जाएगा, 9760 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मार्केटिंग, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मार्केटिंग इज, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो कि मार्केटिंग ऑप्ट किए हैं, तो कितना आपको, 6280 है, जो कि ऑप्ट किए हैं आपको मार्केटिंग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको, कोई नहीं इसमें से ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी ये पूरा जो हमने किया है काम, इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन है, तो 28 नंबर क्वेश्चन तो आपको यहीं पे मिल गया, जिसका क्या है, नन ऑफ दिस आंसर है, बाकी 29 और 30 आपको भी बचा हुआ है। तो चलिए 29 और 30 भी देख लेते, अगला सवाल देखते हैं। देखिए 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल में क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड एचआर ओवर द टोटल नंबर ऑफ एमबीए स्टूडेंट, ठीक है। पूछा जा रहा है कि कॉमर्स का वो बच्चा जो कि ऑप्ट किया है, क्या एचआर ऑप्ट किया है, बटे में टोटल स्ट्रेंथ एमबीए में कितना परसेंट है, मतलब एमबीए का जो टोटल बच्चा इनरोल किया है उसमें से जो कॉमर्स का जो बच्चा जो एचआर के लिए ऑप्ट किया है वो कितना परसेंट है। तो देख लेते हैं कितना आपको, देखो यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल गया, टोटल स्ट्रेंथ कितना है एमबीए का, टोटल स्ट्रेंथ आपको कितना है, 16,000 है, टोटल स्ट्रेंथ कितना, 16,000 है। तो यहाँ पे देखो एचआर में कितने बच्चे हैं आपको जो कि कॉमर्स के हैं, तो ये है आपको कितना, 720, कितना आपको, 720 है ना कॉमर्स का बच्चा जो कि एचआर ऑप्ट किया है, तो कितना है, 720। तो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 720 टोटल कितना हमारा, 16,000, टोटल 16,000 स्ट्रेंथ था, इनटू क्या करना है, परसेंटेज निकालना, तो 100 से गुना कर लेंगे। तो इसको पूरा जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपको कितना, 4.5%, कितना आएगा आपको, 4.5%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला सवाल क्या है? द मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स अमंग द एमबीए स्टूडेंट। तो मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स कौन सा है एमबीए स्टूडेंट, एमबीए स्टूडेंट जो प्रीफर कर रहे हैं? एक तो फिनेंस था, एक एचआर था, एक मार्केटिंग था। देखो आईटी एंड सिस्टम तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, तो मतलब ये तीनों में से कोई एक होगा। तो चलो देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ, उनको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, एमबीए स्टूडेंट देखना पड़ेगा जो कि सबसे ज्यादा ऑप्ट की है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो फिनेंस कितने लोगों ने ऑप्ट किया है, 2880 लोगों ने ऑप्ट किया है। एचआर कितने लोगों ने ऑप्ट किया है, 3360 लोगों ने ऑप्ट किया है। ठीक है, मार्केटिंग कितने लोगों ने ऑप्ट किया, 9760 लोगों ने ऑप्ट किया। मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा कौन सा आपको ब्रांच ऑप्ट कर रहे हैं, आपको मार्केटिंग ब्रांच क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का ये चीज है ना कि जितना भी आपको स्टेटमेंट दे रखा गया है ना, देखो ऐसे क्वेश्चन को ना एग्जामिनेशन में छोड़ा मत करो। मैं जहां तक बोलता हूँ, जो भी अगर आप लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन जो ना इसको छोड़ा मत करो। जब भी सबसे पहले वाला जो आता है ना उसको छोड़ सकते हो, लेकिन सेकंड जो नेक्स्ट वाला जो आता है ना वो सिंपल वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ ना कि जैसे जो भी आपको यहाँ पे निकालने में जो समय लगने वाला है, ठीक है, जब आप एक बार, सब देखो मैंने यहाँ पे सारा टेबल क्या कर लिया, कैलकुलेट निकाल दिया। जब मैंने टेबल यहाँ पे सारा निकाल दिया, तो अब मुझे एक चीज बताओ ना, ये तीनों क्वेश्चन को हल करने में मुझे समय लगा क्या? नहीं लगा, मात्र 2 से 3 सेकंड लगे होंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब जैसे ही मैंने ये टेबल तैयार कर लिया। बस जो दिक्कत है यहाँ टेबल तैयार करने में, टेबल जैसे ही आपने तैयार कर लिया ना, तो आपको समय लगना ही नहीं है बाकी इनके तीनों सवाल को हल करने में, ठीक है। तो इससे ये चीज का फायदा होता है कि एक टेबल आप बनाओगे और तीन क्वेश्चन को देख पा रहे हो ना आप, यहाँ पे तीन क्वेश्चन को आप तुरंत विद इन ए सेकेंड सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। बस एक टेबल यहाँ पे जो बनता है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसमें तो हमको 3 सवाल करवाए थे, अक्सर जो बैंकिंग का एग्जाम होता है वहाँ 5 सवाल होते हैं। तो मान लो अगर उसमें से अगर आप थोड़ा सा भी समय लगाते हो और आपको 3 से 4 सवाल अगर बन जाते हैं, तो क्या आपको 4 सवाल के आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा, और एक एक करके इसमें लाइन पढ़ते जाओ और उसको नीचे यहाँ पर आपको बनाते जाओ, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे 3 सवाल हमने तुरंत ही हल कर लिया, जैसे ही उस टेबल को हमने बना लिया, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे ही, आपको जितने ही मैंने क्वेश्चन करे हैं सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप अपना फीडबैक देना मत भूलना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी ये वीडियो। ये परसेंटेज की मैंने शायद बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाया है, बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं इसको कंप्लीट करके ही इसको छोड़ूंगा, ठीक है, परसेंटेज को भी, ठीक है। तो एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।